जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम अर्पना फ्रॉम MBM पब्लिक स्कूल। टुडे आई विल टीच यू साइंस क्लास 3, लेसन 2, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज शूट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच जनरली ग्रोज अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट। द शूट बियर्स स्टेम, ब्रांच, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स का वह पार्ट जो जनरली ग्राउंड के ऊपर की ओर ग्रो करता है उसे शूट कहते हैं। शूट में स्टेम, ब्रांच, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर सभी आते हैं। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। स्टेम क्या है? शूट का मेन पार्ट्स है। दिस पार्ट जनरली ग्रोस एबव द ग्राउंड। यह पार्ट जो है प्लांट्स के या सॉरी यह पार्ट ग्राउंड के ऊपर की ओर ग्रो करता है। इससे ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट सभी जुड़े होते हैं। द स्टेम कैन बी, स्टेम कितने टाइप के हो सकते हैं? ओके, हार्ड एंड वुडी, सॉफ्ट, वीक। फर्स्ट, हार्ड एंड वुडी स्टेम। द स्टेम्स ऑफ बिग ट्रीज सच एज नीम ट्री, चेरी ट्री और शीशम आर वेरी हार्ड एंड वुडी। सच स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रंक्स। दे कीप द ट्रीज स्ट्रॉन्ग एंड अपराइट। बिग ट्री सच एज नीम ट्री, चेरी ट्री, शीशम के जो स्टेम्स होते हैं काफ़ी हार्ड एंड वुडी होते हैं। ऐसे स्टेम्स को ट्रंक बोलते हैं। ये ट्रीज को स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत और सीधा स्टैंड रखते हैं। सॉफ्ट स्टेम, सॉफ्ट स्टेम्स आर फाउंड इन हर्ब्स सच एज मिंट, मिंट मीन्स पुदीना एंड कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स धनिया। द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स सच एज रोज एंड बोगनविलिया आर सॉफ्ट बट वुडी। कुछ प्लांट्स के कुछ हर्ब्स जैसे मिंट एंड कोरिएंडर के जो स्टेम होते हैं सॉफ्ट होते हैं। कुछ हर्ब्स के भी स्टेम्स जो होते हैं जैसे रोज़ एंड बोगनविलिया के स्टेम्स सॉफ्ट होते हैं बट वुडी होते हैं। वीक स्टेम्स, वीक स्टेम्स आर फाउंड इन क्लिम्बर्स सच एज ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट। These plants need support to hold them upright. Creepers such as pumpkin and watermelon also possess weak stem. Grapevine and money plant, जैसे क्लिम्बर्स के स्टेम जो होते हैं काफ़ी वीक होते हैं। These plants need support to hold them upright. इन पौधों को स्ट्रेट रखने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कुछ क्रीपर्स जैसे पम्पकिन और वाटरमेलन के भी स्टेम्स काफ़ी वीक होते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, फर्स्ट इट कीप्स मोस्ट प्लांट्स अपराइट सो इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ अ प्लांट। यह प्लांट को सीधा रखता है इसलिए इसे बैकबोन ऑफ प्लांट बोलते हैं। प्लांट्स का बैकबोन बोलते हैं स्टेम को। सेकेंड, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ। यह रूट से लीफ तक वाटर और मिनरल को ले जाता है। ओके, स्टेम जो है रूट से लीफ तक वाटर्स एंड मिनरल्स को ले जाता है। थर्ड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैरिंग फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यह फूड को लीव से प्लांट के अदर पार्ट में ले जाने में भी हेल्प करता है। फोर्थ, स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। कुछ प्लांट के स्टेम प्लांट द्वारा प्रिपेयर एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं।
For example, ginger, potato and sugarcane. We eat stem of these plant. For example, ginger, potato और sugarcane के stem को हम लोग eat करते हैं. Leaves. Leaves grow on the stems and they are of different shapes and size. Most leaves are green in color because they have a pigment called chlorophyll, which is green in color. Leaves stem पर grow करती हैं. They are different shape and size. ये different shape and size की होती हैं. मोस्टली लीव्स जो हैं ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं जो ग्रीन कलर का होता है. द लीफ. लीव्स ग्रो ऑन स्टेम्स एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड chlorophyll, which is green in color. Leaves stems पर grow करती हैं. ये different shapes and size की होती हैं. Mostly leaves green color की होती हैं क्योंकि उनमें एक pigment होता है जिसे chlorophyll कहा जाता है और वह green color का होता है, इसलिए mostly leaves green color की दिखाई देती हैं. Functions of a leaf. They prepare food for the plant in the presence of air, water and sunlight. This process is called photosynthesis. Leaves जो हैं plants में food prepare करती हैं air, water and sunlight के presence में. इस process को photosynthesis कहते हैं. Photo means light, light means प्रकाश, synthesis means to put together, it means एक साथ रखने के लिए. Okay? Second, they help in exchange of gases. ये गैसों के exchange करने में help करती हैं, गैसों के आदान प्रदान में help करती हैं. Third, leaves of some plants store extra food. The leaves of such plants are eaten as food. कुछ प्लांट्स की लीव्स एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करती हैं. ऐसे प्लांट्स की लीव्स को हम फूड के रूप में ईट करते हैं. फॉर एग्जांपल कैबेज, स्पाइनेक एंड लेट्यूज़.